जैसे उस समय के लिए भोजन हम लोग इकट्ठा रखते हैं जब जरूरत पड़ने वाली होती है। एक बचपन में कहानी होती थी गिलहरी और कौवा, है ना। उसमें गिलहरी जो है भोजन इकट्ठा करके रखती थी, हम लोग भी रखते हैं, कि जब गेहूं तैयार होता है तो बोरियों में भर के स्टोर रखा जाता है कि उसे साल भर हमारा भोजन चलता रहे, है ना। इसी तरह पेड़ पौधे भी अपने लिए भोजन इकट्ठा करते हैं। तो आइए मैं तुम्हें ऐसे कुछ पौधों के बारे में बताते हैं जो अपने लिए भोजन संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और बाद में उसको जैसे रख दीजिए, उखाड़ दीजिए, तो उसी से वो उनका पोषण थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कि जल्दी नहीं सूखते, कुछ दिन में सूखते हैं। और जिनमें भोजन नहीं होता है आप उखाड़िए, 1 घंटे के बाद सूख जाएंगे, है कि नहीं। तो ऐसे भी पौधे होते हैं। तो मैं जो चित्र बनाऊंगा आप भी घर में उसका नाम लिखिए और उसका चित्र बनाइए, बहुत ही सावधानी से समझते हुए इस काम को करना है। देखिए तुम लोग हरी सब्जियां खाते होगे ना, हाँ, मूली है, गाजर है, पालक है, ये सब हम लोग खाते नहीं है। हरी सब्जियां सबको खाना होता है, ऊर्जा मिलती है, दिमाग बढ़ता है, काम करने में मन लगता है, शरीर स्वस्थ होता है, लंबे चौड़े बन जाते हैं ना सब लोग। तो सभी लोग जिनको लंबा बनना है वो लंबी लंबी सब्जियां खाया करें, जैसे गाजर है ना, मूली है, लौकी, तुरई, जो लंबी लंबी सब्जियां हैं उनको खाओगे तो लंबे हो जाओगे। तो सभी लोग कल से हरी सब्जी जरूर खाना शुरू कीजिए, ठीक है। हाँ, और मोटा होने हो जिसको, जैसे वो दुबले पतले हैं उनको अपनी मोटाई बढ़ानी है तो वो मोटी चीजें खाएं। कौन कौन सी? जैसे आलू, गोल गोल नहीं ऐसे होती है, हाँ, कद्दू, बैगन, ऐसे करके ये सब्जियां खाएंगे तो तंदुरुस्त हो जाएंगे, मोटे रहेंगे, ठीक है। ये तो आज मैं कुछ बनावट से पहचानने के बारे में, कि जैसे बताइए आप ये कौन सी सब्जी है। जैसे इस तरीके से होता है, यहां पर पत्तियां निकली होती हैं, ये पत्ती लगी हुई है, और फिर ऐसे करके ऐसे इसमें जड़े वड़े निकली रहती है बीच बीच में, तो तुम लोग पहचान जाओगे। हाँ, तो आप लोग भी एक पेज में एक मूली का चित्र बनाइए। और ये क्या है, ये देखिए जड़ होती, यहां पर ये होता है, फिर ये पत्तियां होती हैं और ये नीचे का एक जड़ होती है। मूली जो है एक जड़ है जो फूल जाती है, जो भोजन उसमें इकट्ठा हो जाता है तो फूल जाती है, तो उसको हम लोग खाते हैं। कहते हैं मूली खाने से पाचन तंत्र ठीक रहता है, खाना ढंग से पच जाता है, सलाद के रूप में मूली का प्रयोग किया जाता है कि नहीं। कुछ लोग तो अचार भी रखते हैं। तो मूली का चित्र बनाना है, ठीक है। सभी लोग मूली का डायग्राम बनाएंगे। दूसरा देखिए, पहचानिए, एक हो गया ये। हाँ, अब देखिए जैसे ये है तो ऐसे ऊपर चौड़ा होता है, फिर नीचे लंबा होता है ऐसे। अरे तुम लोग तो चित्र देख करके जान जाते हो। ये गाजर है, गाजर का रंग जानते हो, लाल रंग का होता है। अच्छा, तुम लोगों के पास कलर है घर में, तो कलर द्वारा बनाना। जैसे पत्तियां बनी हुई हैं, पत्तियां हरे रंग की होती है ना, इसको हरे रंग में रंगना, और ये जो नीचे का हिस्सा है ये लाल रंग से रंग देना, तो ये गाजर हो जाएगी, है कि नहीं। हाँ, अब देखिए एक और, देखें अब की बार पहचान पाते हो कि नहीं तुम लोग। है, अब जैसे ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर एकदम से मतलब एकदम से, हाँ, प्याज भी होता है, सही कह रहा है वो। देखिए वो बच्चा प्याज के बारे में, लेकिन पत्ती प्याज की ऐसी नहीं होती है। हाँ, तो ये शलजम है ना। हाँ, चुकंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, तो हाँ, वो लाल रंग का होता है। जो लोग इस तरीके का चित्र बनाइए, तो अगर जिसने चुकंदर बनाया वो किस रंग का रंगेगा, हाँ, और जिसने इसको सलजम बनाया वो पर्पल कलर का रंगेगा, आधा सफेद होता है ना, हाँ, इस तरीके का रंगेगा। और पत्तियां सब में ग्रीन होती हैं, है कि नहीं।
तो ये आपको तीन डायग्राम बनाने हैं, तीन चित्र बनाइए, उनको रंगिए बढ़िया सा और घर में मम्मी को पापा को दिखाइए। तो देखिए तीनों के एक बार एक साथ बना के देखो, जैसे मूली थी देखिए ऊपर भी पतली बीच भी मोटी, ऐसे होती है मूली, ये मूली थी है नी। और गाजर कैसी थी, ऊपर चौड़ी थी और नीचे पतली होती चली गई, ये गाजर थी है कि नहीं ऐसे। और शलजम ऐसे था, एकदम से पतला हो जाता है, ऐसे हो जाता है ना। चुकंदर और शलजम ऐसे बनता है और पत्तियां लगभग सब में एक ही जैसी होती हैं, है ना। यहाँ पर ये कहाँ पाई जाती है, जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे? हाँ, यहाँ पर जमीन होती है और मिट्टी में नीचे होती है, पत्तियां ऊपर निकली रहती हैं। अच्छा ये पौधे पत्तियों में भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये जो भोजन इकट्ठा होता है कहाँ से? हाँ, यहाँ जो होता है नीचे से पानी और खनिज पदार्थ लेते हैं नीचे से, और जो सूरज की रोशनी आती है ना, सूरज से जो रोशनी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उससे ये पत्तियां खाना बनाती हैं। पत्तियां खाना बनाती हैं और वो इसमें इकट्ठा रहती है, जिसको हम लोग ले आते हैं खाते हैं, है ना। ये पत्तियों, गाजर का उनका भोजन था, हम लोग खा लेते हैं ना। हाँ, तो सभी लोग गाजर को खाया करो, मूली खाया करो, शलजम और चुकंदर खाया करो। हाँ, तो मूली, गाजर और चुकंदर और शलजम, ये चार है ना, चार चित्र आपको बनाने हैं और रंगने हैं, कल का काम हो गया है ना। ठीक, और खाना भी है, जब पापा से कह दिया करो कि ये चीज लाया करें, है ना। आज सब लोग ये चित्र बनाना और पापा को बाबा को देना कि आज सब्जी यही लेकर आवे हैं, यही खाएं आप लोग। सब्जी तो और भी बनती है, तो सलाद है, ये तो अलग से खाया जाता है, ये सब खाइए और दिखाइए सबको कि देखिए मैंने चित्र बनाया है। सब लोग कल मुझे भी दिखाइए कि आपने कौन सा चित्र बनाया है ना। सब लोग बना करके रंग करके लाएंगे। अपने मित्रों को भी कहिए कि मेरे वीडियो को देखा करें और सीखा करें, ठीक है। हाँ, आज का काम बस यहीं तक, धन्यवाद।